हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है फ्राइडे भाई, ये भी आ चुके हैं। ऐसे करते हैं गुड मॉर्निंग, जल्दी उठ के करते हैं, ठीक है ना, मेरी तरह। तो भाई अब पहले नहाएंगे धोएंगे एंड मंदिर जाएंगे पूजा करके, क्योंकि कल एकादशी थी। जब तक पूजा नहीं करूँगी, मतलब कुछ किसी को देऊँगी नहीं, जैसे खिचड़ी वाला जो खाना होता है, जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं होगा उसके बाद ही मैं कुछ खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, उससे पहले कुछ भी नहीं। तो मैं फटाफट से काम करके नहा धो के रेडी होके पूजा करके चलते हैं मंदिर, फिर आपको दिखाते हैं। आप उठ लोगे? चलो जी, मैं तो उठा हुआ हूँ। मैं तो कार्डियो भी करी एक है। घंटे से सो रहे हो आप? कार्डियो करी एक है मैं, घंटे से सो रहे हो एक घंटे से मेरे यार कार्डियो करी है यार। भाई? चलो नहा धो के तैयार होते पहले। भाई मैं तो अपना नहा धो के रेडी हूँ 9:30 बजे पूजा करने के लिए। और देखो यही होता है मेरा सुबह सुबह वाला स्ट्रगल, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, नहा लो नहा लो नहा लो, बस यही रहता है मेरा पूरा दिन। अभी इसी जगह बैठे रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, उठ जाओगे? ये कहते कहते मुझे आधा घंटा हो गया, और इनको कहते कहते आधा घंटा हो गया कि उठ रहा हूँ। मैं यही रखूंगी कैमरा, तो उठोगे नहीं? मैं दिखाती हूँ कितनी देर में उठोगे आप। अरे उठ रहा हूँ मैं, रुक जा। वही दिखाना है मुझे व्लॉग में कि आप मुझसे कितना बुलवाते हो और कितना परेशान करते हो। मैं और परेशान, हाँ आप तो कुछ करते ही नहीं हो, सब लड़के चाहते हो ऐसा हस्बैंड सबको मिले। हाँ हैं पूछ ले, ऊपरी ऊपरी सबको अच्छा दिखता है, अंदर देखो ना तो पता चले। अंदर का देखो अपनी दिखाऊंगा। मील वील खा ली, फ्री हो गए, अब यहाँ बैठे रहेंगे आधे घंटे तक। तुम बैठे रहो, मैं ऐसे दिखाते रहूंगी, आप उठोगे तब तक। अरे उठ रहा हूँ यार, 2 मिनट रुक जा बस। ये बोलते बोलते आपको आधा घंटा हो गया है हाँ ठीक है क्या? ठीक है क्या ठीक है, फोन छोड़ोगे? ना छोड़ पहले लूंगा। तो फोन वहीं मंगवा रहे थे, मैंने कहा बैटरी नहीं है उसके अंदर, तो यहाँ आके लग गए। चलो भाई इनको करने देते हैं, इनको जल्दी से रेडी करके फिर चलते हैं मंदिर। मैं अपना रेडी हो जाती हूँ। कल से मैंने कुछ नहीं खाया खाना, शाम के टाइम बस दो बनाना खाए थे और थोड़े से ड्राई फ्रूट। अब पूजा करने के बाद मैं खा सकती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और ये मंदिर में देना है इसलिए रखा है। बस लड़ो मत, लड़ो मत, लड़े हैं ये तो आपस में। हाँ खिला तो सही, जी भी ऐसे मार रही है, जी मारने दे। मूली भी आ गई, कोई ना मूली दे दे, मूली भी खाऊंगी। दे, दे, दे आँख में मारी एक दूसरे की। सबको खिला दे, देख वो वहां चढ़ रखी उसने खिलाया। मैं बना लेता हूँ अपना ओमलेट। आज कोर्ट जाना है यार, मैंने एक बार कोर्ट जाना है आज एक बार। हाँ कोर्ट पहले ठीक है। तो भाई ये तो चले गए अपने कुछ वर्क से, और मैं कर चाय और मूली का पराठा विद सॉस खा के अपना रेस्ट करते हो। शाम को करना वर्कआउट, इसलिए हैवी मील लेनी पड़ेगी, इसलिए आज मैंने दो पराठे बनाए हैं, एक नहीं दो, खा के फिर रेस्ट करते हैं। तो भाई एक दिन छुट्टी एक दिन वर्कआउट, एक दिन छुट्टी एक दिन वर्कआउट, यही चल रहा है। आज भी ऑफ हो जाता बट रह गया, सब इनकी वजह से। मेरी वजह से, इनकी वजह से मैं रूम्स गई थी, इसलिए मैं आना नहीं चाह रही थी, पर फिर भी आ गई हूँ। मेरे को रुआ दिया ना आने से पहले, इसलिए फिर मेरा आने का मन नहीं था, मैं फिर भी आ गई, चलो कर लेते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर ये बोलने लगे सॉरी 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 सॉरी, फिर ऐसे बोलने लगे मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा चलो चल लेते हैं, ऐसा ही था ना? सॉरी तो नहीं बोला ना तुमने, नहीं बोलते
तो यही समझ तो मैंने ही बोला होगा। तो आज मेरा कौन सा वर्कआउट है? कौन सा वर्कआउट है आज? आप बैक करो, बैक। कल फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर संडे छुट्टी है ही। मेरा तो, मेरे को सर समझ नहीं, मेरा ऑन सीजन चल रहा है कि ऑफ सीजन चल रहा है? और मेरा 50-50 चल रहा है। शेम टू शेम ऋतिक भैया की तरह, शेम टू शेम। हम दोनों एक दिन दो दिन गायब, एक दिन आगे दो दिन गायब। तो चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो जी स्टार्ट करो। तो मेरे पीछे का सेट है, वेट मैंने एक ही रखा है। वीडियो में एक्सरसाइज है, डेली लेग कर्ल मैडम बोले। आई मैं को बैक है तीसरा सेट। सेट तो पैसा भी पहले से ही तो बता दो। यस चलो स्लो, पूरा पर नहीं जाना, यही इधर स्लो। वन स्लो, वेरी गुड। स्लो करो, पांच गुड, छह सात आठ, चलो चलो चलो, नौ एक और लगाओ, दस दस चलो चलो भाई। सेकंड एक्सरसाइज राइज करेंगे डेडलिफ्ट की। चलो वन एक रैप लगाओ करते हैं। चलो टू कम ऑन, थ्री वेरी गुड, फोर स्लो नीचे, फोर फाइव सिक्स कम ऑन सेवन, वन मोर एट रखो, ढाई ढाई की प्लेट डालो। तो मैडम थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज रहेगी डंबल रोइंग, वन आर्म डंबल, दूसरा सेट है। चलो वन स्लो स्लो लगाओ, सिक्स या एट रैप जो बढ़िया से, ऊपर होल्ड करके स्लो डाउन, गुड। चार पांच छ होल्ड, छ सात एक और आठ चेंज फटाफट, गुड कम ऑन। चलो वन एल्बो अंदर, वन टू थ्री होल्ड करेंगे, फोर फाइव वेरी गुड, सिक्स सेवन एट गुड। मैडम मुझे फोर्थ एक्सरसाइज लेग पुल डाउन, तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद ओवर। तो जो भी ये चार एक्सरसाइज है ये फॉलो करो, तो जो भी लड़के शेपी हैं जो बिल्कुल पतले रहते हैं वो रैप लगाएंगे आठ से दस, और जो थोड़ा कट करना चाहते हैं वो दस से पंद्रह रैप। डन मैडम, अब प्रोटीन डील लगे। सो भाई मेरा वर्कआउट होता है फिनिश, एंड वर्कआउट ना हैवी नहीं गया, बट हाँ जो भी किया अच्छा किया, प्रॉपर किया, स्किप नहीं किया कुछ भी। उसके बाद चलते हैं अब घर, फिर होते हैं रेडी शेडी, क्योंकि आज है ज्योति की शादी जो हमारे जिम में आती है, खासकर आप लोगों ने वर्कआउट में देखा ही होगा उसकी शादी है, उसी में जाना है। तो अब घर जाके रेडी होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो भाई मैं तो रेडी हो चुकी चलने के लिए, और मैंने लुक लिया है अपना भाई दूज वाला, इयर रिंग्स वैसे ही वाले पहने हैं, पर चूड़ा मैंने चेंज कर लिया, ये मेरा शादी वाला चूड़ा है जो मैं शादी में पहना था। तो भाई अब मैं रेडी हूँ, और इनका तो पता नहीं, ये बहुत देर से वॉशरूम में घुसे पड़े हैं, पता नहीं निकले नहीं निकले। हाँ मैंने पांच मिनट में तैयार हो गई थी, पांच मिनट में सिर्फ, दिखाती हूँ इनका भी मैं, देख लो ये अभी भी रेडी नहीं है, टोटली कटअप मारा, कोई कटअप नहीं मारा गया, ये एक घंटे से बाथरूम में, और मैं पांच मिनट से रेडी हो रखी हूँ। पर ये पड़े मेरे कपड़े, ये मैं एक साथ करूंगी, आधे अभी सूख रहे, इसको आराम संडे को बैठ के करूंगी, बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, ये एक दो मिनट वाला काम नहीं, एक दो घंटे वाला काम हो गया मेरे लिए। तो भाई अब रेडी हो गए, अब चलते हैं शादी में, दिखाते हैं आपको ज्योति की शादी। तो आज का व्लॉग रहेगा ज्योति की शादी, ज्योति की शादी। तो भाई शर्ट पहन लो, वो भाई मुझे ऐसे ही चिल्लाना पड़ता है सुबह हो चाहे शाम हो, देखो मैंने सुबह भी दिखाया था, नहा लो नहा लो नहा लो, अब देख लो शर्ट पहन लो शर्ट पहन लो शर्ट। ये करने जा रहे हैं वहां पहले,
लगा? शर्ट पहन लो so भाई, इनकी शर्ट मैंने तैयार की उस दिन की तरह, भाई शर्ट कर दे शर्ट कर दे शर्ट कर दे भाई, ये कभी कोई काम है। हाँ पर एक काम में हेल्प कर दी इन्होंने आज मेरी, बिगर कहे जो थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे सिंक में और वॉश कर दिए, तो इतने सिंक में बर्तन आए कहाँ से फिर दोबारा, वो आए कहाँ से बताओ, कुछ दोबारा आ गए वो कहाँ से आए, तो देख लो भाई यही करे थे और ये धोकर आए। तो अब चलते हैं आपको दिखाते हैं शादी ज्योति की, चले। तो भाई आज के साए इतने हैं कि जो घर से एक मिनट का रास्ता है उसको हम 15 मिनट की दूरी में लेके चल रहे हैं आज, क्यों यार। और जहां से निकलना था बिल्कुल घर के पीछे साइड ही है, वहां इतना जाम लग रहा है, वहां घंटा भी खड़े हो गए ना तो नहीं निकलने वाला जाम, थोड़ा घूम के जाया जा रहा है 15 मिनट लगा के, जो कि 1-2 मिनट का रास्ता था और ऑलमोस्ट हम लोग बस पहुंच गए आ गए ना, दिखाती हूँ मैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, मैं दिखा देती हूँ अभी अंदर चल के दिखाती हूँ। सो भाई फाइनली वेन्यू पे पहुंच के पहले हम मिलने गए ज्योति से जिसकी शादी थी, ये जिम पे आती थी भाई, थोड़े दिन से स्किप कर रही थी बिकॉज इसकी शादी उसमें तैयारियों में लगी हुई थी। तो अब मैं दिखा देती हूँ कौन है ज्योति, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख ले भाई, ये है निशांत, ये हमारे जिम में आता जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा हमारे साथ। एंड अब ज्योति से भी मिलवा देते हैं, वो बैठी ज्योति भाई बहुत सुंदर लग रही थी, बट हाँ कि व्लॉग में पूरा प्रॉपर लेना था तो सामने से लेना पड़ेगा कि वरना ऐसे दिखे ही नहीं। फिर हम लोगों ने सामने से प्रॉपर फ़ोटोज़ भी क्लिक करी, वीडियोस भी ली जो कि हमें ब्लॉग के लिए ज़रूरी था। एंड भाई मेरे को अच्छा लग रहा था इससे मिलके क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रही थी ये, क्योंकि हम लोग मोस्टली कभी कभी एक साथ वर्कआउट करते थे तो हम इसे पूछ रहे थे इसको कैसा फ़ील हो रहा है अभी, कैसा लग रहा है। इसकी आँखों में आंसू आ रहे थे, मुझे लगा ये रो रही है, बट नहीं, आँखों में आंसू इसलिए थे कि वो मेकअप की वजह से, और देख लो इसी खुशी इसके चेहरे से ही दिख रही होगी, ये मटक मटक के दिखा रही। फिर हम लोग गए बाहर तो वहाँ कुछ लोग ऐसे मिले जो हमारे सब्सक्राइबर थे, तो हमने साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड वीडियो भी बनाई। फिर हम मिले निशांत की सिस्टर से जिन्हें मैं पहली बार मिल रही थी, पहले मैं मिली नहीं थी, एक की शादी हो रखी थी, बड़ी वाली सिस्टर एंड छोटी वाली साथ में। फिर हम गए थे खाने के लिए कुछ खाना, बट भीड़ भाई इतनी थी, बहुत मुश्किल से ये मिला खाने के लिए, उसमें भी हम दोनों ने शेयर किया था इन्होंने और मैंने, क्योंकि एक ही प्लेट थी वो, तो आधा आधा शेयर करने का। भाई इतना टेस्टी था ये, मैंने इनको सब्जी के लिए स्पून भेजा था कि एक स्पून लेकर आओ, तो भाई ये जब तक स्पून लेने गए और दूसरा कुछ लेने गए, इनको जगह नहीं दी किसी भी औरत ने वहाँ पे, तो बेचारे अभी दिखाती हूँ मैं कैसे जब लेने गए थे और कैसे आए थे ये, देखो देखना अभी। तो भाई ये स्पून लेने जाते उससे पहले मैंने सारा फिनिश कर लिया, और जब तक ये आए ने कुछ भी नहीं मिला, देखो इनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा इन्हें कुछ भी नहीं मिला। एंड फिर हम लोगों ने खाना अपना रेडी किया जिसमें सारा हमारा जिम का जो बच्चा है सारा हमारा साथ में बैठा हुआ था, भाई सॉरी ऐसी लैंग्वेज के लिए, भाई सारे बैठे थे इसमें, टिंकू भैया थे, आकाश था एंड अभिषेक भैया भी थे, लेकिन वो कुछ खाने के लिए लेने गए थे इसलिए वो इस वीडियो में नहीं दिख रहे, अगली वीडियो में दिखेंगे। तो भाई ये आ गए अभिषेक भैया, क्योंकि मोस्टली इन्होंने ही खाने के लिए लेकर आए बार बार जाके, कि हम एक बार जो लेकर बैठे थे उसके बाद ये सारे आ गए थे, फिर हम लोगों ने साथ में खाना खाया, बिकॉज साथ में खाने में बहुत मज़ा आता है भाई, खाने के बाद इंजॉय करने के बाद फिर हम निकले घर के लिए। कहाँ है अभिषेक भैया, ये रहे
भाई उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, हमने इतना बोला भैया डांस कर लो डांस कर लो, कल करूंगा भाई उन्होंने जिम पे करेंगे, कल मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूंगी और साथ में नंबर, जिसको पसंद आए वो कॉन्टेक्ट कर ले। तो अब घर पहुंच गए हैं, अब घर पहुंच के अपना रेस्ट करते हैं। तो भाई घर आ चुके हैं एंड बहुत अच्छा फंक्शन था और बहुत अच्छा खाना था। मैं खाने की तारीफ ज्यादा करूंगी, मेरे को खाने में प्रॉब्लम नहीं हुई है, खाना बहुत बेस्ट था। एंड अब सोते हैं कि सुबह जाना है खाटू शाम, तो उसके लिए सोना पड़ेगा, नींद लेनी पड़ेगी, 10:30 हो चुके हैं। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट एंड सीताराम दोस्तों।